ऐसे ही मूड खराब करके होली खेलनी है ना, तो मत ही खेलो, जाओ बैठ जाओ अंदर। तो नहीं खेलना होली, चलो जाओ 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 यहाँ से। होली है। अलबेली जी, अलबेली जी कहाँ चली गई? वो तो कल ही अपनी बहन के साथ यूएस चली गई थी, और अगर वो यहाँ पे हैं तो किसी को दिख क्यों नहीं रही हैं? ओह, उन्हीं से पूछता हूँ। अलबेली जी हैं? यही तो थी अभी। अलबेली जी, अलबेली ही थी या फिर मैं नशे में था? अलबेली जी, अलबेली जी, इतना हल्ला होने के बाद भी मैं रतन सिंह के करीब नहीं जा पा रही हूं। रानी साहब ने गरीबों को दान करने के लिए चांदी के सिक्के मंगवाए हैं।
सर सपोले यहां पर कहां से आ गए? तुम्हें क्या लगा रतन सिंह, तुम हमें महल से निकाल दोगे तो हम चुपचाप चले जाएंगे? नहीं रतन सिंह, नहीं। इतनी आसानी से मैं अपनी बहन की मौत को नहीं भूलूंगी और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी रतन सिंह। सब लोग यहाँ हैं, पर बाबा सा नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए वो अचानक? सुनिए, आपने महाराज को कहीं देखा है? जी, मैंने उन्हें महल के अंदर जाते हुए देखा था। दरवाजा तो किसी ने अंदर से बंद किया है। हमने आपसे मना किया था ना कि यहां इस राजमहल में वापस मत आइएगा। लगता है आपको हमारी बात समझ नहीं आई। छोड़ेंगे नहीं हम आपको। ये आवाज कैसी? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? बाबा साहब, बाबा साहब,
अच्छा है, सितारा भी खुद यहीं आ गई। सितारा कहाँ चली गई? शायद अंदर गई होगी। महल का दरवाजा पक्का सितारा ने खोला होगा। दीदी, सितारा महल में आ गई है। जानती हूं, पहले इस रतन प्रताप से निपट लें, फिर सितारा को देख लेंगे। हमारे परिवार का ध्यान रखिएगा। हमारे परिवार का ध्यान रखना, कुछ मत होने दीजिएगा उनका। बाबा साहब,
महाराज, महाराज हम आगे उठिए महाराज। बहुत देर हो गई सितारा को गए हुए, आई क्यों नहीं अभी तक? कैसे हुआ, किसने किया ये? भाई साहब, नाना नाना नाना।